साहस ही नहीं होता है। रोज रोज कहा जाता है कि नहीं, और बोलने का साहस नहीं होता है, डर लगता है। अभी सेम टू सेम स्थिति मेरी थी 2000 से पहले, तो हो सकता है मैं भी कुछ ऐसा ही अपने बारे में, मेरा भी अर्थ जागृत मन अपने बारे में यही सोच लेके बैठा था, ऐसा ही मैं कुछ था। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल सकता था। मतलब किसी के सामने, नॉर्मली पब्लिक के सामने नहीं बोलना, वो तो शायद बहुत सारे लोगों में हो सकता है, पर मैं ऐसे फेस टू फेस दो चार लोगों के बीच में भी नहीं बोल पाता, इतना था मामला। पर एक जिम्मेदारी का बटन दब गया है, एक जिम्मेदारी का बटन दब गया कि मैं ही जिम्मेदार हूं पूरा, जो भी मुझे करना है उसके लिए। और सारे डर जो है वो हटा दिए, हट गए। एक परिवर्तन वो वाला, काश हम सबके जीवन में घटित हो जाए। क्षमताओं की कोई कमी नहीं होती किसी में भी, बस कुछ एक घटना घटित होनी बाकी है। एक रचनात्मक जो अंदर बैठा है ना, रचनात्मकता, वो बस जग जाए। दूसरों के पीछे सोचना, दूसरों के नीचे सोचना और दूसरों से कम सोचना, ये सब बोले अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, अभी तो जीवन में मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मेरे परिवार वाले वैल्यू नहीं करते हैं, समाज में मेरे को कोई जानता नहीं है, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये सब चीज मैंने देखी हुई है, और जीवन में जितना भी खजाना हमें मिला हुआ है, देखो मिला हुआ तो है, वो तो या तो काम आ जाएगा या यूं ही रह जाएगा, दो ही बातें होनी। ऊपर वाले ने तो सबको खजाना दिया है, या तो काम आ जाएगा या इसको साथ लेकर ऊपर चले जाएंगे, दो में से तीसरी बात होनी नहीं। पर ये खजाना ज्यादा उसको खुलना है जो दुनिया के लिए जिएगा, जो अपने लिए जिएगा उसका खजाना ऊपर ऊपर की जो है, खजाने के ऊपर ऊपर एक परत होती है ना, उससे ही पूरी हो जाती। अपने को अपने लिए कितनी जिम्मेदारी पैदा होगी, कितना शक्तियां जागृत होगी, कितनी विचारों की आवश्यकता होगी, कितनी रचनात्मकता की आवश्यकता होगी, क्या सोच पैदा होगी, और अपने लिए जीने में बहुत सारी जोखिम ही जोखिम, बहुत जोखिम भरा है अपने लिए जीना, क्योंकि अवगुण जो है ना वो आने की संभावनाएं बढ़ जाती है जो अपने लिए जीता है। लालच आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा,
कोई भी उन्नति कर रहा था अच्छा ही नहीं, ईर्ष्या होती है। लेकिन जो दुनिया के लिए जीता हो तो उसी में खुशी है कि चलो मजा आ गया, कोई तो आगे बढ़ रहा है, अपना ही है, ये भी मैं ही हूं, अलग तो कोई है ही नहीं। तो जितना हम इस जीवन को काम में लेंगे, जिसकी जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना ही इसमें से माल निकलता जाएगा। डर किसको होता है? डर क्यों है? डर कहां से आया? डर की सिर्फ एक ही वजह है, स्वार्थ। स्वार्थ ही डर की एकमात्र वजह है। जो निस्वार्थ हो जाए तो फिर डर किस बात का बताओ? अब आदमी सोचे कि सब ये सब झंझटों में नहीं पड़ना, हम तो पहले अपना काम निपटाएं, फिर बाद में दुनिया की सोचेंगे। पहले अपना तो कुछ है ही नहीं, पहले दुनिया की सोचेंगे तो इसी में पड़े रह जाएंगे, पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। वो जो है ना असली, वो नहीं आ पाएगा कभी। डर का निकलना अति आवश्यक है, और डर जब ही निकल सकता है जब हम सार्वजनिक बने। जब भी डर निकलेगा, जब भी हमें शक्तियां, हमारी शक्तियां जागृत होगी। एक दिन में ही यहां से वहां तो कोई भी नहीं पहुंच सकता है, पर या तो हम चल रहे हैं डाउनवर्ड, नीचे की ओर जा रहे हैं, या हम समतल चल रहे हैं, पर ये विचारों में बदलाव लाते हैं, हम ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये पक्का है। और ऊंचाई की ओर जब चलेंगे तो ऊपर की ओर तभी जा पाएंगे। अगर हम समतल चलते रहेंगे तो हम वैसे ही बने रहेंगे जैसा है अभी। अगर हम नीचे जाएंगे तो हम जिस जैसा है वैसे भी, उससे भी नीचे गिरते जाएंगे। अब सवाल आता है, यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आने वाला है, कि इस दुनिया में तो सब तो अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, अब उस पूरी दुनिया के वातावरण में मैं कैसे अलग करके दिखाऊं, अलग बनूं? पूरी दुनिया तो अलग दिशा में जा रही है, वहां का ज्ञान, वहां का जो है एडवर्टाइजमेंट, तो सब अलग ही तरह का है, वातावरण ही अलग तरह का है। उसमें मैं कैसे एक उन्नति का मार्ग पकड़ूं जो थोड़ा अलग होता है? तो उसके लिए हमें परमात्मा ने एक सुंदर अवसर दे दिया है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें बहुत पॉसिबल है। शायद ये सवाल बिल्कुल सही होता अगर हम कुछ और जगह होते, पर जो कर्म हमें मिल रहा है करने के लिए
वहां पर हम ये सारे समाधान निकाल सकते हैं। और ये कर्म शायद हमारे जीवन में आया ही इसलिए है, इस कर्म को करने के बाद भी हम पुराने धारणाओं से चल रहे हैं, तो हम न तो अपने आप के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न हम इस कर्म के साथ न्याय कर पा रहे हैं, और न हम इस व्यवस्था के साथ। हमें इसकी डिजाइन को समझना है। अच्छा, कभी सवाल ये भी आ सकता है क्या, ये सब बातों की जरूरत ही क्या है, क्यों ये सब बात, क्यों ऐसा सोचना, जो चल रहा हो ठीक ही है। तो डिफरेंस देखिए आप क्या है। जब हम जिम्मेदार बन के करते हैं, जब हम रचयिता बन के करते हैं, तो क्या किस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और एक सामान्य भेड़ चाल के जैसे चलते हैं तो हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, क्या परिणाम आते हैं, हम जो चाहते हैं उसमें से क्या हासिल हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, कहाँ खुशी ज्यादा मिलती है, कहाँ खुशी कम मिलती है, जीवन का उद्देश्य कहाँ पूरा होता है, हम क्या होना चाहते हैं, इन सारी चीजों पे चिंतन मनन करके देखें तो तर्क समझ में आएगा। बातें झंझट लगती है, तो लग सकती है झंझट, डॉक्टर शिव कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा जी सर, बहुत अच्छा सर, जो आदतों का परिवर्तन है, जो सुख स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा से ही जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य ये है कि संपूर्ण मानव जाति में परिवर्तन आए, और इस प्रयास के अंदर हम कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं कि आपका साथ मिला, और शायद पूर्व जन्म के कुछ सत्कर्म थे इस कारण इस जन्म में तो क्या हुए हैं, और जो चेंज किया आदतों को वो सिर्फ संगत से किया है, आपकी संगत से, और इस प्रयास में बहुत सारे साथियों को ले रहे हैं। और जैसे आप क्रिएटिव कला की बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी, रचना और रचनात्मक, तो रचना तो है प्रकृति की, लेकिन रचनात्मक हमें बनना है, उस दिशा में हम सुबह 4:30 बजे से ही तैयारी कर लेते हैं। थैंक्स सर, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर मैसेज एक ही है कि पहली बात तो मेरे मन में कितने विचार है, और उन विचारों में से मैं हो सकता है 10% रख पा रहा हूँ, 1% रख पा रहा हूँ, तो ये दोनों ही सीमाएं आपके लिए कोई लागू नहीं है। Yes. ये किसी के लिए कोई सीमा नहीं है, मैं आपका गाइड करने वाला हूं ही नहीं, मैं पथ प्रदर्शक हूं ही नहीं, कोई दुनिया में आपका पथ प्रदर्शक नहीं है, ये सिर्फ इशारे हैं। हम सबको जो भी मिला है उसके अनुसार हमको सबको अपना अपना क्रिएटर बनना है, और जस्ट एक एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीजें बोल पाता हूं मैं कि कितनी जिम्मेदारी, डर को बाहर निकालना या जो भी है, कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, क्या है, जो भी अनुभव के आधार पर कुछ बातें ही मैं बता सकता हूँ, कोई भी जो है ना वो कुछ बातें बता सकता है। अब बताया जो
उसमें से हो सकता है कुछ लेने वाले थोड़ा सा ले लेते हैं, हो सकता है कोई पूरा ले लेते हैं, पर हो सकता है या करना क्या है कि जो बताया हो तो बताया तो कि पहाड़ पे ऐसे चढ़ना है या कोई भी चीज काम का तरीका कि यहां से दिल्ली ऐसे जाना है, पर जिसने बताया उसको उसने उतना बताया दिल्ली ऐसे जाया जा सकता है, भाई इतनी ट्रेन है इससे जा सकते हो या आप गाड़ी से जा सकते हो, उसको जितना आता उसने बता दिया। पर सुनने वाला, और ये तो इसमें से सबसे आसान क्या है, देखे वो देखता हूँ मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, क्या आसान है कि तो बहुत। अब सुनने वाला ये भी सुन सकता है, सुनने वाला ये भी सुन सकता है कि बताए तो दो ही तरीके, पर मैं सोचता हूँ और भी तरीके कुछ हो सकते। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बताने वाला बहुत लिमिटेड बताएगा, पर हमारे अंदर बहुत अनलिमिटेड है, असीमित है, हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाओं का खजाना छिपा पड़ा है। और आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो यही थी आज की बातचीत, आज भी कुछ साथियों ने एंट्रेंस किए तो थोड़ा सा ले लेते हैं, टाइम भी है। डॉक्टर सीपी वर्मा, सर जी नमस्कार, आदरणीय सर को पैर छू के प्रणाम। आज बहुत ही कठिन और आसानी से सब्जेक्ट को हम लोग समझ पाए। ये आदतों का विज्ञान जो सर आप दिए, वास्तव में ये सही परिवर्तन आपने दिया, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेंड करने की बात होती है सुनने से नहीं होता है, अपने अभ्यास में लाना पड़ता है। जैसा कि सर आपने बताया कि पहले ये बिहेव था कि आप लोगों के साथ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब अपने माइंड को कमांड दिया गया और उस पर अभ्यास किया गया तो वो परिवर्तन हो गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला हम है, ये हम कहना चाहेंगे। आदरणीय बिपिन रावत जी अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर किए, हमारे भारतवर्ष की करीब 15 लाख सेनाएं हैं, नेटवर्क है, हमारी नेटवर्क उससे कम नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, हैबिट एक ऐसी चीज है, माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को जो आपने समझा दिया है, जितने हम लोग सीख गए हैं, जरूरत है कि हम लोग इसको अपने आप को ट्रेंड करें, कभी भी निगेटिव कमांड अपने दिमाग को ना दें। हमको एक अवसर मिला है अपने देश को बदलने को, अपने घर को बदलने को, अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति में ले जाने को। ये जो आप कमांड दिए, आदतों का जो कमांड दिया आप, ये आदत ही यदि अपने जीवन में हम लोग ले आएंगे तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप बीते जीवन में जो भी वर्ष खर्च किए हो, आपका जीवन बेकार गया हो, लेकिन आज यदि इन बातों को आप समझ गए तो आने वाले जीवन को शुद्ध सहित आप मेकअप कर सकते हैं। मैं भी इस बात को बहुत बाद में समझा और मैं चाहता हूं कि बाकी को जिंदगी जो नहीं बची है इसमें हर तरह से अपने आप को और अपने पूरे विश्व को कुछ न कुछ मानवता को समाज को दे के जाएं और किया जा सकता है, और ये आदतों के बदौलत ही हम जो हैं सो हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। और भी साथियों ने इंडेक्स करके एक बार ले लेते हैं। उमेश प्रसाद सिंह, नमस्कार सर, आज का विचार बहुत अच्छा लगा और मैं यही सोच रहा हूँ कि जो भी मन में विचार आए उसको व्यवहार में लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी आदतों को सवेरे 6 बजे के पहले नहा धो करके तैयार होने की आदत डाल रहा हूँ, और जो भी मेरी बुरी आदतें हैं उनको
मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल पाता था किसी के सामने, अभी भी नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए उसका भी अभ्यास कर रहा हूँ और जो काम मैं सोचता हूँ उस समय पर करने का प्रयास या आदत डाल रहा हूँ। आज का विचार बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी आपने बोल बीते दिनों में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो भी ख्याल आता है, इसलिए इस अथी को मैं अच्छा समझता हूँ, इसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। आज किसी को केवल आज की चर्चा पे कुछ बोलना हो तो आदतों का तो डेली चलता ही है, कल से पुनः चलेगा। आज जो चर्चा हुई उस पे कुछ और प्रकाश डालना हो, सुरेश जी को करते हैं। थैंक यू सर। हम लोग आज एक हमारे अंदर एक ये आदत दिखी थी जो आपने बहुत बड़े बड़े जोरदार तरीके से प्रकाश डाला शुरुआती दौर में, निर्भरता की आदत। हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, यही आदत हमें पीछे ले जाने की एक मेन कारण बनी हुई थी। ये आज एक फोकस के रूप में हम लेते हैं कि आज से जिम्मेदारी बेहतर और केवल मैं ही हूं ये लेके चलना है, ये हमने सीखा आज के इस चर्चा से। दूसरा, हम कमजोर पक्ष को ज्यादा सुनते हैं, यह भी एक बुरी आदत है। जो बेहतर पक्ष है उसको हम सुनना ही नहीं पसंद करते हैं या उससे डर लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से कमजोर पक्ष को लेकर हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं। इससे भी हम आज इन आदतों से हटना है। सेकंड, हम लोग ज्यादा से ज्यादा डर क्यों आता है, इस पर हम आज बहुत बड़ा बेहतर हमें प्रकाश मिला आपके माध्यम से कि स्वार्थ के वजह से ही डर है। अगर स्वार्थ निस्वार्थ हो जाए हम तो डर रहेगा ही नहीं। तो आज से निस्वार्थ भाव से समाज के लिए या दूसरे के लिए जीना ही बेहतर, इस और हमारा उद्देश्य भी इस संकल्प को दोहराता है और यह कंसेप्ट हमें जो मिला है इस कंसेप्ट में पुरजोर इन आदतों को समाहित करने का एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अक्सर करे ये जो हमारा कार्य है इसको करने के लिए कुछ सुझाव जो हमें सबको ही देता रहता हूं, ये तो मेरा तो काम है तो मैं ये रेगुलर वे में करता हूं, पर हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जो बताया जाता है उस में से कोई भी साथी कम ही करके लाता है। कोई आज तक ऐसा कोई क्यों नहीं मिला कि जो बताया उससे कोई ज्यादा करके लाए, ऐसा क्यों होता है, ये इसका आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया। जबकि बहुत ज्यादा नहीं बताता हूँ कभी भी, कमजोर पक्ष को ही हम लोग पकड़ते हैं, यही मेन आदत हमारे अंदर तो दिख रही है, यही हम लोग मान पाते हैं, कमजोर पक्ष को ही पकड़ लेते हैं सभी करीब करीब। हम तो अपने अंदर देख पा रहे हैं, सभी को नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, कभी तो आंसर मिलेगा ये, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। आज ये दूर हुआ सर। कुछ बोलो गुरुदेव, यदि आज्ञा दे तो। हाँ बोलिए। एक्चुअली हमारे दिमाग में जो आपने बताया कि वो धारणाएं जो बैठ गई है तो कहीं ना कहीं हमारा मन को दमन किया गया है और मन मान लिया है कि हम जिनका अनुसरण करते हैं उनसे ज्यादा नहीं कर सकते। वजह यही होता है कि यदि टीचर पढ़ाते हैं और टीचर से ज्यादा यदि बच्चा जान जाता है तो बच्चे के मन में डर होता है कि कहीं सर हमको डांट न दे। कुछ ऐसी ही गलत धारणाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं और वो तभी प्रकाश में आती हैं जब वो सिचुएशन डेवलप करता है। इसी वजह से हम लोग जो है बहुत ऊपर किसी के सामने में ना बोल पाते हैं ना दिखा पाते हैं, एक डर मन में रहता है, शायद यही है। हो सकता है ये इसका कहीं ढूंढना तो पड़ेगा ये, क्योंकि एक ऐसा सवाल मन में बैठा हुआ जिसका आंसर मुझे मिल नहीं पा रहा है, मैं बहुत ये खोज रहा हूँ तो, क्योंकि इसका कारण मिल जाए तो फिर उसका दूर किया जाए।
हालांकि आपने जो बताया वो बिल्कुल सही कारण है। एक कारण ये भी है, एक ये भी है कि हमारे जो समाज में जीने का जो तरीका है वो ऐसा एक बार बार फीड किया जाता है कि तुम ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो वो भी एक धारणा बैठी हुई। पर कहीं तो ऐसा कोई तो मिलना चाहिए ना जो उसको क्रॉस करे लिमिट को। चलो मदन गोपाल जी, एक बार सुरेश जी आप थोड़ा देख लीजिए थोड़ी देर जल्दी जल्दी। थैंक यू सर। हाँ मदन गोपाल जी, हाँ अनम्यूट करें अपने आपको। जी सर। नमस्कार सर, गुरुदेव को प्रणाम। मैंने तो सर आज के इस उससे विषय से ये समझा है कि हम जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते सर, और परमात्मा ने हमारे को ऐसा सिस्टम, ऐसी जगह दी है, ऐसा स्टेज दिया है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को भी संवार सकते हैं। और खाना खाना उसी से पैसा आना, कमाना हमने खाने के लिए, उसी से इनकम आनी, उसी का प्रचार करना, इससे बड़ी और कोई बात है नहीं सर, मैं तो कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तम चक्रवर्ती सर। जी सर आप आए। थैंक यू सुरेश भाई, क्योंकि सर को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इसीलिए बताता हूँ, इस जैसा गुरु तीन चीज तो चाहिए, संगत, आदर। थोड़ा सा हम फोकस आज के जो विचार हुए उस पर रखें, इसी के ऊपर डाल रहे हैं। कई दिनों से ये प्रोग्राम अटेंड कर पा रहा हूँ। मैंने आज जो सीखा है, मैं जो निर्भरता और आत्मनिर्भरता, क्योंकि खुद के ऊपर निर्भर करने से क्या मिल सकता है ये सेठ ने बता दिया। और लक्ष्य जो बताए, वो जो दायित्व वो खुद को निभाना चाहिए। और डर के बारे में जो बता दिया, जो निस्वार्थ भाव में करेंगे, जो आत्मनिर्भर होकर करेंगे, जो सार्वजनिक रूप से करेंगे, तो डर को हम भगा पाएंगे। ये बहुत सारे चीज सर ने बता दिए, सभी को चीज के एक ही नेचर है, वो है अभ्यास करना, लगातार लगातार अभ्यास करना। क्योंकि कई महीनों से मैं 4 बजे से उठकर कई अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन खुद को ये मेरे के अंदर शामिल कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसा कुछ है लगातार करने के बाद भी वो चूक जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन काम आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन उसके ऊपर सर परम, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाली, उसको भी चूक क्या क्यों जाते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे तो सर अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी इसकी निरंतरता ही बेहतर उपाय है, और लगातार उसको फोकस रखेंगे तो हम लोग इसमें कामयाबी मिल पाएगी। धन्यवाद सर। वीरेंद्र यादव सर को लेते हैं। जी सर। सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर आपने मौका दिया, और हम लोग के जो गुरु है पूरे देश को बदलने के लिए जो आज बीरा उठाए, आज जो सर जो बातचीत कर रहे सर, हमको लगा कि हम जीवन एक खोज किताब पढ़ रहे थे, हमको लग रहा था वो जीवन एक खोज जो किताब है ये टोटल सारांश वहां पे छुपा हुआ है। और सर जो सपना देखे आज से 21 साल पहले कि आर्थिक आजादी और आध्यात्मिक, ये दोनों चीज सर बता रहे हैं, और 100% सर हम लोग सपना पूरा करेंगे। सर का जो सपना जो देखे हैं पूरे देश का सपना है, और हम लोग 100% सर आदतों पे जो विचार कर रहे हैं, आदतों पे अपने आप लागू कर रहे हैं। सर जो बोल रहे थे कि हम खुद नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली हम भी महसूस कर रहे थे कि जब किसी के सामने बोलना होता था हमें डर लगता था, और हम स्वयं हम बोल ही देते हैं कि आज सर जो सपना देखे 21 साल पहले 100% समय जो भी लग रहा सर 100% पूरा करेंगे सर के साथ में। थैंक यू सर। अरुण कुमार सर। जाहिर सिंह सर, सर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर का दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन मिल रहा है मुझे बहुत दिल से छुआ सर। आज का जो है डर, इंसान को डर क्यों लगता है, मैं इन्हीं बातों में ज्वाइन हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा लगा सर कि जब तक हम कोई भी कार्य को सार्वजनिक करते हैं तो निस्वार्थ होकर करते हैं तो डर बिल्कुल नहीं रहता है, और हम छुपा रास्ता में अगर कोई गलती करते हैं तो हमेशा डर बना रहता है। इसलिए हम लोग को अपना जीवन को खुला किताब रखना चाहिए, और सर का ये सानिध्य मिला इसके लिए मैं दिल से आभार हूँ। जय सियाम। थैंक यू सर। हम लोग केवल फोकस रहे अपने इन आज के विचारों को थोड़ा सा मैं प्रेरित कर, कारण कि समय कम है। विजय गुप्ता सर। गुरुदेव का
देखा जाए तो काफी खास मैसेज है, और जहां तक हम जो समझ पाए सर कि आज गुरुदेव ने हमें संसार से जो अलग विचारधाराएं हमारे बीच में देने की कोशिश की है कि हमारा एक अलग पहचान हो, जहां तक कि सर का भी एक लंबा अनुभव रहा है सिस्टम में, जो कि बहुत सारा चुनौतियों भरा, बहुत बड़ा संघर्ष भरा रहा है, लेकिन फिर भी सर गुरुदेव हर संघर्ष और चुनौतियों से जो आज ही मकाम खड़ा किए हैं, आज लाखों करोड़ों परिवार को जो खुशियां दिए हैं, ये सारा चीज गुरुदेव का ये पाने की हसरत से नहीं बल्कि देने का हसरत से था। मतलब कहने का मतलब है सर कि हम लोग जो कुछ भी है पाने के ख्याल से अगर किस कार्य को करते हैं तो हम उसमें सफल सही ढंग से नहीं, पर अगर देने के ख्याल से अगर हम लोग कोई भी कार्य करें, समर्प भाव से अगर किसी कार्य को करें, तो वाकई में उसमें एक देव शक्ति होता है, और पाने के ख्याल से करते हैं तो वो खुद की शक्ति होती है। तो वाकई में गुरुदेव का एक खास मैसेज है कि हम अगर किसी चीज को देने के ख्याल से करें, समर्पित होकर करें, तो वो कार्य महान होता है, वो कार्य सबसे बड़ा होता है। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर। और लगता है हम लोग ऐसे ज्यादा लंबा होते हैं, आज के विचार हमारे लिए बेहतर है जी। और भी तो ज्यादा कल ले सकते हैं बाकी साथियों को अपन। आज आज के विचार जो ऐसे मिले हैं कि हम लोग गदगद हो गए हैं सर, और मैं नहीं चाहता हूं कि आगे हम लोग इन चर्चाओं को बढ़ने दें, इसको आत्मसात करने का अवसर दें हमें। थैंक यू सर। प्रोग्राम के लिए सूचित कर दें एक बार। आज रात में लिंक मिल गया है ग्रुप में, और जिनको नहीं मिला होगा पर्सनल सर प्रकाश सर डाल देंगे फिर से एक बार दोबारा चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या सर। और हाँ, जो आज कल्चरल प्रोग्राम के रूप में है, आप जैसा उसका टाइम बाउंडेड है 40 सेकंड या कितना सर, एक मिनट के अंदर का कोई भी अपना कल्चरल प्रोग्राम हो या कोई कविता हो या कोई आपके सॉन्ग हो, कुछ भी लिया जा सकता है। इसको थोड़ा सा प्रकाश भैया ठीक इसको फोकस करते हैं। हाँ, नीचे लिखा हुआ है मीटिंग आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड जो है अपना, हमको स्क्रीन दिख रहा है हमारे ख्याल से। हाँ, दिख रहा है जी। आज रात में 9 बजे है, 8:55 पर हम ज्वाइन कर लेंगे, और कल्चरल प्रोग्राम है। हमको हमारा जो भी टैलेंट है, म्यूजिक हो, डांस हो, कॉमेडी हो, जो भी हो, 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट प्रेजेंट करना है हमको डायरेक्ट। हम आपका नाम आपको चैट बॉक्स में लिख देना है, हम आपका नाम डायरेक्ट बुला देंगे, आपको डायरेक्ट ये कहना है आज मैं ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और अपना शुरू कर देना है। अब आपको 9 बजे हाथ केवल कब उठाना है, अगर आप कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तालियां बजाने के लिए नहीं, अगर आप कुछ परफॉर्म करना जा रहे हैं और आप वेल प्रैक्टिस्ड हैं, और क्योंकि हम बहुत सारे जनों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेबल और डिसेंट होना चाहिए हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे जो तीसरा ये इंटरनेट कनेक्शन है वो सही होना चाहिए, अटक अटक की आवाज जिससे नहीं आए। जूम लिंक हमने योगा कैंप में शेयर करा है, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं ये मीटिंग आईडी और पासपोर्ट का। तो हमारे ख्याल से आप एक बार फोटो ले लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आप वेल प्रैक्टिस्ड हैं, मतलब आपने अच्छे से अभ्यास करा हुआ है, और हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंटेबल और डिसेंट इनफ है, और हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही है, हमारे ख्याल में ये 3 पॉइंट्स आए थे, आदरणीय सर चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, हमको जितना याद आया हमने लिख लिया। नहीं, इसमें सब कुछ कवर हो गया है, मतलब कोई भी गाने वगैरह हो तो वो थोड़े अच्छे शब्द होने चाहिए इसे, और कुछ सब गंदे से शब्द नहीं होने चाहिए। तो हमारे ख्याल से हम सबके पास लिंक आ गया है, हमने योगा कैंप ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दिया है, और हम अच्छे से तैयारी करें, और ये एक कल्चरल प्रोग्राम है, मतलब सांस्कृतिक, तो एक डिसेंट प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम इस तरीके से, अगर हमको लगता है हमारा प्रोग्राम, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेबल है और डिसेंट इनफ है, तो हम हैंड रेस करें, और 1 मिनट के अंदर ही उसको हम क्या करें रखें। हाँ, गाने का बहुत लंबा गाना होता है, लेकिन उसको एक पैराग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, है ना। तो आज जो सर ने कहा है
उस पर भी हम मनन करें। सभी को आदरणीय सर, अपना जब हम लंबा समय बोलते हैं तो खूब एनर्जी भी स्पेंड होता है, हमारा हेल्थ पर भी वो प्रभाव पड़ता है। तो हम सब ये मन में ले सकते हैं कि सर का हेल्थ क्या रहे, आपके सर का हेल्थ बहुत बढ़िया रहे। इसी के साथ हम आज के लिए ओवर कर दूं। शुक्रिया।